हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट क्या है, कौन कौन सीटेट का फॉर्म भर सकता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्कशीट की वैलिडिटी कितने ईयर तक होती है, पेपर वन एंड पेपर टू में अंतर क्या होता है, सीटेट के बाद जॉब कौन कौन सी लगती है, सीटेट का जो है न्यू फॉर्म किस मंथ में आएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीटेट है क्या। तो सीटेट एक जो है आपका सेंट्रल लेवल का जो है एक आपका टेस्ट है, होता है टीचिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन इसका जो है फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, अगर आप बीटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप फॉर्म इसका जो है भर सकते हो। यानी कि बीएड बीटीसी अगर आप कर भी रहे हो या इस वर्ष एडमिशन लेने जा रहे हो 2024 में, तो आप एलिजिबल हो। अगर कंप्लीट है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस मैं बता दूं, यहाँ पे पेपर वन यानी कि प्राइमरी की अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल 150 नंबर के जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 में से अगर आप SC ST OBC हैं तो 82 अंक लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 90 अंक आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज वन में आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज टू में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे EVS के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पांचों सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 150 नंबर के। निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है, ये आपका पेपर वन का है यानी कि प्राइमरी का एग्जाम पैटर्न है। जूनियर की बात करें यानी कि पेपर टू के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपका 150 नंबर का पेपर होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स वही है 82 एंड 90 जनरल कैटेगरी के लिए। लैंग्वेज वन आपका इसमें भी रहेगा, लैंग्वेज टू आपका इसमें भी रहेगा, एंड SST के 60 क्वेश्चन, मैथ साइंस के यहाँ पे 60 क्वेश्चन। अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम रहा है तो मैथ साइंस के क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से जैसे ग्रेजुएशन में BA वगैरह किए हो ना, तो आप 60 क्वेश्चन SST के सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पेपर जब आप लोग फॉर्म भरोगे ना, तब उस टाइम आपको जो है यहाँ पर भरना होगा कि आप किसका जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो। तो जो ग्रेजुएशन में है उसी के आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना के रखा हूँ, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो एक एक टॉपिक इसका देख सकते हो हमारे टेलीग्राम पर जाके, ओके। मार्कशीट की वैलिडिटी कितने ईयर तक होती है, तो ये लाइफ टाइम होती है। पहले क्या होता था, लिमिट थी 5 ईयर, अब क्या हो गया है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो गई है। यानी कि एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, आराम से आप सुपर टेट दीजिए। पेपर वन और पेपर टू में अंतर क्या होता है, देखिए अंतर यही होता है कि आप पेपर वन क्वालिफाई करोगे तो आप प्राइमरी की भर्ती के लिए एलिजिबल रहोगे, पेपर टू आप क्वालिफाई करोगे तो आप जूनियर की वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल रहोगे, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। एंड दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है, और जो बच्चे बीएड वाले हैं वो पेपर टू ही देंगे, ठीक है, पेपर वन नहीं देंगे, यानी कि जूनियर वाला ही देंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, सीटेट के बाद जॉब कौन कौन सी लगती है। देखिए, अगर आप BTC किए हो और यहाँ पे बीएड, आप BTC किए हो, आप प्राइमरी लेवल का सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो भारत के किसी भी राज्य में कुछ स्टेट हैं जहाँ पर, जैसे आपका हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, बिहार में तो मतलब एलिजिबल हैं आप, सीटेट क्वालिफाई करके जाते हो तो वहाँ पे अलाउ किए हैं सीटेट वालों को। जैसे झारखंड में नहीं अलाउ है, तो दो चार स्टेट को छोड़कर जैसे राजस्थान में सीटेट अलाउ नहीं है, यूपी बिहार ये सब स्टेट में अलाउ है। तो आप सीटेट जैसे क्वालिफाई करते हो तो भारत की किसी भी स्टेट में वैकेंसी अगर निकलती है प्राइमरी की, तो आप वहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे आप बीएड करते हो तो भारत के किसी भी स्टेट में जूनियर की वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल रहोगे। अब जैसे यहाँ पे नवोदय जो विद्यालय आपके होते हैं, KVS होते हैं, तो इसमें जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है। आप जैसे बीएड किए हो तो आपका सीटेट का पेपर टू क्वालिफाई है, तो आप यहाँ पर NVS एंड KVS की वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल रहोगे, क्योंकि यहाँ पर जूनियर की वैकेंसी अलग से नहीं आती है, TGT की वैकेंसी आती है। तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सीटेट के बाद यही जॉब होती है कि आप BTC किए हो तो आप प्राइमरी की वैकेंसी देख पाओगे, उसका एग्ज़ाम दोगे, तब फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है।
यानी कि सीटेट के बाद आपको तुरंत जॉब नहीं मिलेगी, मेन एग्ज़ाम आपको देना होगा जो भी भर्ती आती है। ठीक है, सीटेट का फॉर्म कब आएगा? तो देखिए, वर्ष में सीटेट दो बार होता है, एक आपका जुलाई में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। तो दिसंबर वाला फॉर्म आने वाला है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी में आप लोग अभी से लग सकते हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी क्लासेस वगैरह, सिलेबस की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।